नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में। इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत इजी मेथड में, बच्चों की भाषा में आपको रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए और याद हो जाए। ये पूरा वीडियो सभी के लिए है, चाहे आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा, थोड़ा बहुत आपकी तैयारी है तो भी ये वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर को हमने जो लैंग्वेज रखा है बहुत इजी रखा है, आंसर को बहुत शॉर्ट रखा है, ताकि आपका रिवीजन पूरा हो सके और बहुत जल्दी हो सके। और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें 100% कंटेंट को इंक्लूड किया गया है, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बात। तो सबसे पहले करेंगे मेटल्स क्या होता है, व्हाट इज मेटल, मेटल की डेफिनेशन क्या होगी। दो सब्सटेंसेस या एलिमेंट, ऐसे सब्सटेंस या एलिमेंट who lose their electron, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो बस दो चीज याद रखिए, who lose their electron, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि वो पॉजिटिव आयन बना सके। अगर ये दो कीवर्ड आपके आंसर में है तो आपकी मेटल्स की डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की बात करें, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, दो या तीन इनफ है। ये हार्ड होता है, शाइनिंग सरफेस होता है, मतलब लस्ट्रस होता है, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है। इन सब की डेफिनेशन में आगे आपको बताऊंगा कि मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस का मतलब क्या है, बट अभी आप प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। तो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनरस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई डेंसिटी होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। अगर एग्जांपल की बात करो तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए आपके लिए, बट आप एक या दो एग्जांपल याद कर लेना इनफ है। तो इसमें आप लिख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, कोई भी दो एग्जांपल आप याद कर लेना। दोबारा रिवाइज करते हैं इस पेज को। एलिमेंट को तीन कैटेगरी पढ़ा जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ताकि वो पॉजिटिव आयंस बना सके। सभी मेटल हार्ड होते हैं, शाइनिंग सरफेस और लस्ट्रस होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है और हाई डेंसिटी होता है। अगर मेटल के एग्जांपल की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब इसके एग्जांपल है। बट इतना याद ना करें, आप एक दो याद कर लें बहुत है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत एक या दो मैक्सिमम पूछा जाता है। नाउ अगला पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर आता है पहला टॉपिक की नॉन मेटल क्या होता है, व्हाट इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे। तो दोज एलिमेंट हु गेन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है टू फॉर्म नेगेटिव आयन, ताकि वो नेगेटिव आयन बना सके। तो दो कीवर्ड याद रखने, एक तो गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव आयन बनाता है, उसको नॉन मेटल कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो ये बिल्कुल मेटल का जस्ट अपोजिट है, आप खुद भी लिख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी है मोस्टली नॉट हार्ड, ज्यादातर हार्ड नहीं होते, ये नॉट लस्ट्रस, लस्ट्रस भी नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, नॉट मेलिएबल होते हैं, नॉट डक्टाइल होते हैं, नॉट सोनरस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होता है। तो याद करने की नीड नहीं है, अगर आपको मेटल याद है तो नॉन मेटल आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। बस एग्जाम्पल जरूर कर लेना, एक दो एग्जाम्पल याद करके जाना, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, ये नॉन मेटल है। मेटलॉइड्स की बात करें, मेटलॉइड्स किसे कहते हैं, तो दो एलिमेंट हु हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, जो मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी होती है उसको मेटलॉइड्स में रखते हैं। तो एग्जांपल याद कर लेना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो बेस्ट एग्जांपल है मेटलॉइड्स के लिए। एक बार दोबारा याद कर लेते हैं इस पेज पर हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने नॉन मेटल जाना, नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि वो नेगेटिव आयन बना सके। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, हार्ड नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होता, बैड कंडक्टर होता है हीट इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन डक्टाइल होता है, नॉन सोनरस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है। नॉन मेटल के एग्जांपल कार्बन, ऑक्सीजन और भी आप नाम लिख सकते हो गैसेस के। मेटलॉइड, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी होती है, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जांपल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। नाउ अगले पेज पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे। देखिए यहां से आपका पेपर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, पेपर में जो आता है यहां से आता है, ये स्पेशल केस, इन पे ध्यान दीजिए, बहुत छोटे आंसर होंगे लेकिन एग्जाम पर्पस से ये है। सम स्पेशल केसेस, देखिए ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड है, तो मरकरी, याद रखोगे, सिंबल भी याद करो, ऐसा मेटल जो मरकरी, ऐसा मेटल जो लिक्विड हो रूम टेम्परेचर तो मरकरी, ऐसा मेटल जो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो गैलियम और सीजियम, ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट था गैलियम और सीजियम, लो बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो, तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले जो मेटल होते हैं वह है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम।
ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का तो वो है ग्रेफाइट, ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड हो तो वो है डायमंड, ऐसा नॉन मेटल जो लस्ट्रस हो चमकीला हो तो आयोडीन, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है हीट का तो सिल्वर और कॉपर, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का अगेन सिल्वर एंड कॉपर, उसके बाद मोस्ट मेल्येबल कौन है तो सबसे ज्यादा मेल्येबल होता है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, मोस्ट डक्टाइल कौन होता है तो गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, इवन हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तार 2 किलोमीटर वायर को बनाया जा सकता है। दोबारा रिवाइज करें, देखिए ये स्पेशल केसेस है, तो बहुत शॉर्ट में आपको याद रखना, ऐसा मेटल जो लिक्विड हो मरकरी, ऐसा मेटल जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट हो तो गैलियम और सीजियम, ऐसा मेटल जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो सोडियम पोटेशियम लिथियम, ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रेफाइट, ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड हो तो डायमंड, ऐसा नॉन मेटल जो लस्ट्रस हो चमकीला हो आयोडीन, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है हीट का तो सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है इलेक्ट्रिसिटी का अगेन सिल्वर, मोस्ट मेल्येबल कौन होता है तो गोल्ड होता है, और मोस्ट डक्टाइल कौन होता है तो गोल्ड होता है। क्लियर हो गया? नाउ अगले पेज पे आते हैं। अब यहां से रिएक्शन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन। यहां आपको मेटल और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन का फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला और उसका एक एग्जांपल, फॉर्मूला और एक एग्जांपल याद करके जाना। तो मेटल ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। फॉर्मूला याद रखोगे, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड। तो कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। अब यहां पर ना स्पेशल केस याद रखना है कि सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ना तो एकदम आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम पोटेशियम को खुले में क्यों नहीं रखते, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर। नेम द मैटर, मैं आपसे क्या था, पूर इस नोट्स को स्पेशल पर्पस एग्जाम के लिए, ये रिवीजन वीडियो है जिसका हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि आप बहुत शॉर्ट तरीके से चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, बहुत जल्दी तरीके से आप सिलेबस को पूरा कर पाओ, इसलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है। नेम द मेटल, उस मेटल का नाम बताओ दैट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता तो वह है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसा मेटल बताओ जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं, कैन बी कट बाय नाइफ, जिनको चाकू से काटा जा सकता है तो वह है लिथियम सोडियम पोटेशियम। याद रखोगे, ऐसा मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनको हम एल्केली मेटल्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स, इनको एल्केली मेटल्स कहते हैं। ऐसा मेटल बताओ जो पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का तो वो है लेड। लेड जो है पीबी, वो ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। वापस आते हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मूला याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए खुले में नहीं रखना चाहिए इसको। ऐसा मेटल बताओ जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, गोल्ड एंड सिल्वर। ऐसा मेटल जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो और इजिली नाइफ चाकू से काटा जा सकता हो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, दे आर कॉल्ड एल्केली मेटल्स। ऐसा मेटल जो पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का तो दैट इज द लेड। नाउ अगला पेज देखिए, आता हूं मैं आपके लिए, नेक्स्ट पेज देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे कि लस्टर्स, व्हाट द मीनिंग ऑफ लस्टर, लस्टर का मतलब चमकीला। मेटल हैव शाइनिंग सरफेस, जिसका शाइनिंग सरफेस हो, जैसे गोल्ड, गोल्ड बहुत ज्यादा लस्टर्स होता है। मेल्येबल, व्हाट इज मेल्येबल, मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, जब मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं ना उनको बीट करके, पीट पीट कर, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट ऑन बीटिंग, मेटल को पीट के जब थिन शीट बना सकते हो तो डेट इज द मेल्येबल। एल्युमिनियम शीट आपने देखा होगा, फॉइल पेपर वगैरह आता है तो वो मेल्येबिलिटी की वजह से। डक्टिलिटी क्या होती है, तो मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, मेटल से वायर बना सकते हैं। कीवर्ड याद रखो, लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग सरफेस, मेल्येबल का मतलब है थिन शीट, डक्टाइल का मतलब है थिन वायर, जैसे कि आप देखते हो गोल्ड सिल्वर कॉपर इन सबसे तार बनते हैं ना, तो डक्टिलिटी की वजह से। सोनरस का मतलब साउंड, आवाज से है। मेटल प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, मेटल को बजाने पे आवाज आती है, इसको सोनरस कहते हैं, जैसे स्कूल का बेल, जो स्कूल का बेल आपको आवाज आती है ना, वो आयरन से बना होता है मोस्टली, तो पीटने पे आवाज आती है, तो ये सोनरस था। इस पेज पे यही था, लस्टरस का मतलब शाइनिंग सरफेस, मेल्येबल का मतलब थिन शीट, डक्टाइल का मतलब थिन वायर, और सोनरस का मतलब है साउंड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नाउ फिर से हम आगे रिएक्शन की ओर आते हैं, फिर से आगे रिएक्शन आ गया थोड़ा सा आपका, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन, ये कर चुके हैं शायद, या हमने पहले पेज पे पढ़ लिया था रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन, हाँ ये पढ़ चुके हैं, रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्सीजन, कि मेटल ऑक्सीजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, जैसे कॉपर ऑक्सीजन का मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनता है।
नाउ यहां से अगला टॉपिक आपका शुरू होता है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड वाटर। अब हम फॉर्मूला याद करेंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। हम इस फॉर्मूले को याद करेंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटलिक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सॉरी बच्चों, देखिए इस बात को ध्यान दीजिए, मोस्टली जो पेपर आता है ना वो रिएक्शन बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड आता है, तो एग्जांपल पे ध्यान देना है, इन पे ध्यान नहीं देना। ये सब चीजें नहीं पूछते अब पेपर में, अब ये सब चीज पूछते हैं कि कॉपर वाटर के साथ एक बीकर है उसमें कॉपर डाल दिया, बताओ क्या बनेगा, तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। अक्सर मैं कमेंट पढ़ता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे, एक्टिविटी कुछ अलग से नहीं आ रहा, सब इसी में से आ रहा है, यही एक्टिविटी, ये जो रिएक्शन है यही एक्टिविटी है। इनको ध्यान से पढ़ोगे आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ। रिएक्शन बिटवीन मेटेलिक ऑक्साइड एंड वाटर, जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। ये पिछले चैप्टर में भी था कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे सोडियम एक मेटल है, अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा ना तो NaCl एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड मेटल सॉल्ट, जब कोई मेटल मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो यहां डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जैसे मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी है, कोई मेटल है ए, मान लीजिए आयरन एक मेटल है और सॉल्ट सॉल्यूशन है बी का, जैसे कॉपर सल्फेट, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, तो मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर का, तो जब इनका रिएक्शन होगा ना तो ये मेटल बी जो है अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, तो कॉपर अलग हो जाएगा, मेटल बी अलग हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्यूशन ए का बचेगा। तो याद रखिए आयरन एक मेटल ए है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्ट सल्फेट है ये, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा। कई बार पढ़ चुके हो आप लोग, तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा, कई बार ये एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लोग घुमा फिरा के क्या करते हैं, एक ही चीज को 36 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन पे ना ध्यान देके पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, पहले चैप्टर को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, फिर कितना भी घुमा लेना क्वेश्चन को आपको आसान लगेगा। आप लोग क्या करते हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन के पीछे भागते हो। भाई इसी क्वेश्चन को पूछने के 36 तरीके हैं, आप इस बात को समझो। नाउ कॉपर के बाद में याद रखना, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके, दोबारा यहां पर आ देता हूं। एल्यूमिनियम के बारे में ध्यान रखिए, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और लेयर ऑफ ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ना एल्यूमिनियम पर, ये इसको प्रोटेक्ट करता है एल्यूमिनियम को फ्रॉम कोरोजन। एल्यूमिनियम को जानबूझ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया जाए, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है इसके कोरोजन से। क्लियर हो गया, इस पेज को जल्दी जान लेते हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जब कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएगा। मेटल सोडियम ले लिया हमने, एसिड HCl ले लिया, तो रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन रहा है यहां। जब कोई मेटल मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जैसे मेटल ए है सॉल्ट सॉल्यूशन और बी है, तो बी यहां जाएगा ए यहां पे आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। फेरस सल्फेट का एग्जांपल आप सबको याद होगा। नाउ कॉपर, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर होता है। एल्यूमिनियम जानबूझकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बने और ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। अगला पेज लेके आता हूं आपके लिए, नेक्स्ट पेज देखिए, एम्पोथेटिक ऑक्साइड। व्हाट इज एम्पोथेटिक ऑक्साइड, ये एम्पोथेटिक ऑक्साइड क्या होता है। सच मेटेलिक ऑक्साइड, ऐसे मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे और रिएक्ट करने के बाद सेम चीज बनाए सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं एम्पोथेटिक ऑक्साइड। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ऐसे मेटलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों के साथ ये सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है, उनको एम्फोथेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्साइड, ध्यान रखिए मेटल ऑक्साइड जो होता है सोल्यूबल होता है वाटर में, तो मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाओगे तो ये सोल्यूबल होगा वाटर में। कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वाटर में सोल्यूबल होता है। सोडियम एंड पोटेशियम दो ऐसे मेटल हैं जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड कैन कैच फायर, आग पकड़ सकते हैं ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये आग पकड़ सकते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कर, इसलिए खुले में नहीं रख सकते आप इसे। टू प्रोटेक्ट देम, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज कैप्ड इन केरोसिन ऑयल, इसको केरोसिन ऑयल में रखना चाहिए। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और लेड, याद रखोगे मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और लेड, दीज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये ऐसे मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एक थिन लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड का। द ऑक्साइड लेयर प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम फर्दर कोरोजन, ये कोरोजन से बचाता है। इनको जानबूझ के मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को, जिंक को, लेड को जानबूझ के ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है ताकि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ना इस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिसको कोरोजन से बचाता है। ऐसे मेटल का नाम बताओ जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो दो है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे मेटल है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करता। रिवाइज कर लेते एक बार, एम्फोथेटिक ऑक्साइड होते क्या है, व्हाट इज एम्फोथेटिक ऑक्साइड, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, दोनों में ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सोल्यूबल होते हैं वाटर में, चाहे सोडियम ऑक्साइड ले लो या पोटेशियम ऑक्साइड ले लो, वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम वेरी रिएक्टिव होते हैं और ये आग पकड़ सकते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक और लेड ये ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ये फॉर्म करते हैं थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, इस पर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ये ऑक्साइड लेयर जो होता है प्रोटेक्ट करता है मेटल को फर्दर कोरोजन से ताकि कोरोजन ना हो। ऐसा मेटल जो रिएक्ट ही नहीं करता ऑक्सीजन के साथ वो है गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकते हैं। नाउ अगला टॉपिक आता है बच्चों एनोडाइजिंग। कई बार पेपर में आपके सैंपल पेपर में भी है, एनोडाइजिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑक्साइड ऑन एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की जो लेयर चढ़ाई जाती है उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है मैं पहले भी बता चुका आपको, कोट मेक इट रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस पैदा करते हैं टू फर्दर कोरोजन ताकि कोरोजन ना हो। इट मेनली यूज इन मेकिंग आयरन पिल, इसका मेनली इस्तेमाल होता है आयरन पोल्स वगैरह जो होते हैं, लोहे की जो पुल वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए। दोबारा सुन लीजिए, एनोडाइजिंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें थिक लेयर चढ़ाया जाता है एल्युमिनियम का। तो जब आयरन पर एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाएंगे, जब आयरन पर Fe पर एल्युमिनियम की एक पतली सी, एल्युमिनियम की एक पतली सी लेयर चढ़ा देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम हमें पता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो कोरोजन नहीं होने देगा। तो जब एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाते हैं ताकि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाए और ये कोरोजन ना होने दे आयरन को, तो उसको एनोडाइजिंग कहते हैं। ना पोटेशियम और सोडियम के बारे में याद रखिए, पोटेशियम और सोडियम जो होता है कोल्ड वाटर के साथ, इनकी कहानी बहुत खराब है। पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, इतनी तेज रिएक्शन होते हैं कि आग पकड़ लेते हैं। तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट रिलीज होगा। ऐसी सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और हीट रिलीज करता है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम बच्चों कोल्ड वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन की वजह से आग पकड़ लेता है, ये आग भी पकड़ सकता है। नाउ कैल्शियम की बात करें, वाटर कैल्शियम की कहानी अलग है वाटर के साथ। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, ये हर बच्चा याद करके जा रहा, कोई नई बात नहीं है, इसलिए वो एग्जाम में पूछेंगे नहीं क्योंकि उन सबको पता है, सब रट के आए कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम फ्लोट क्यों करती है, क्योंकि पानी को फ्लोट करने लगता है। तो आंसर दोगे, कैल्शियम फ्लोट करता है ऑन वाटर, वाटर के ऊपर, ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण जो होता है वो कैल्शियम फ्लोट करता है।
मैग्नीशियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और यहां भी यही केस होता है, मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है वाटर पर, क्यों? ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के कारण ये फ्लोट करता है। डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैं आपको पहले बता दिया मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, केवल हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। रिवाइज कर लें एक बार, एनोडाइजिंग क्या होता है? तो सिंपल सा ये प्रोसेस का नाम है, ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर ताकि कोरोजन ना हो, और ऐसा मेनली लोहे के पुल वगैरह के लिए किया जाता है। सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, बहुत वॉयलेंटली इनका रिएक्शन होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और आग पकड़ सकता है। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन कैल्शियम फ्लोट करता है वाटर के ऊपर क्योंकि हाइड्रोजन का बबल जो होता है वो उसको चिपका लेता है। मैग्नीशियम केवल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है वाटर के ऊपर क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पेज आ जाता हूं जल्दी से, आपका चैप्टर थोड़ा बड़ा है बट कोशिश करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, आसान चैप्टर, थोड़ा लेंथी है बट आसान है। मेटल, ऐसे मेटल बताओ जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये स्पेशल केस है। जब कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, या हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइडिंग एजेंट होता है जो अपना जो ऑक्साइड होता है वो रिड्यूस कर देता है। When metal react with nitric acid, जब metal nitric acid के साथ react करता है, it forms salt and water, ये salt and water बनाता है, जबकि बाकी acid जो है hydrogen बनाते हैं, ये वाला acid water बनाता है, क्यों? पूछा जाएगा why? Because nitric acid is a strong oxidizing agent, ये strong oxidizing agent होता है, अपना oxygen reduce कर देता है। ऐसा मेटल बताओ जो डू नॉट रिएक्ट विद HCl, जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो वो है कॉपर। कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, स्पेशल केस, हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। एक्वारेजिया क्या होता है, रॉयल वाटर क्या होता है? तो इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, इनका रेशियो होता है 3:1, यानी 3 लीटर ये लेंगे तो 1 लीटर ये लेंगे। इट इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, इसको गोल्ड एंड प्लेटिनम को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल, ये मेटल की लिस्ट होती है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, जिनको उनके रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जब मेटल को लिस्ट किया जाता है, लाइन से लगाया जाता है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनको रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को जल्दी जल्दी। ऐसा मेटल जो रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, वो है गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड। ऐसा मेटल जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो कोई भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है हाइड्रोजन की जगह पर। When metal react with nitric acid, it forms salt and water. पूछेगा why, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि nitric acid एक strong oxidizing agent है। Now ऐसा metal जो कि HCl के साथ react ना करता हो, तो वो copper है। Aqua regia क्या होता है? तो ये mixture होता है दो acid का, HCl और HNO3 का, 3:1 में। इसका use किया जाता है gold और platinum को dissolve करने के लिए। Reactivity series क्या होती है? तो याद रखिए list of metal, इतना याद रखिए list of metal होता है, जिनको अरेंज किया जाता है डिसेंडिंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ये लिस्ट ऑफ मेटल होता है जिनको अरेंज किया जाता है उनकी एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उनको एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का मैंने आपको कई बार शॉर्ट तरीका बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज जरूर याद कर लेना, कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। मैंने तरीका बताया था, कालू नाम का माली, आलू जड़ा फीका पकाता है चाचा, याद होगा आपको। जिन बच्चों ने मेरा वीडियो दे रखा होगा नोट्स का, जो मैंने नोट्स आपको दे रखे उसमें मैंने शॉर्ट तरीके बताए, तो ये याद कर लेना। याद करने का तरीका है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, बिल्कुल लाइन से याद करना। इस पे एक्टिविटी बेस आती है, आपको कोई भी मेटल दे देंगे, आपको कोई भी मेटल दे दिया, आयरन दे दिया, आपको सोडियम दे दिया, आपको कॉपर दे दिया, आपको मैंने हाइड्रोजन दे दिया, फिर बोलेंगे इनको लाइन से लगाओ, तो हमें पता होना चाहिए पूरा टेबल। तो सबसे ऊपर आएगा सोडियम, इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सॉरी हाइड्रोजन उसके बाद कॉपर। ये टेबल आप देख लेना, तो इस टेबल को याद कर लीजिए। कालू नाम का माली, आलू जड़ा,
आलू जरा फीका पकाता है चाचा। ये शॉर्ट तरीके में नोट्स में आपको समझा रखे, बट आप एज इट इज याद कर लेना, जितना जल्दी याद होगा उतना जल्दी आप आंसर दे पाओगे। नाउ आगे बात करते हैं रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। जब कोई मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिनको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। देखिए ध्यान दिए, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे या आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इन तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है और हर पेपर में इस पर कुछ ना कुछ पूछा गया है। ध्यान दिए, मेटल में हमेशा एक जो इलेक्ट्रॉन एक या दो एक्स्ट्रा होगा, जैसे सोडियम इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसमें 7 है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, रीजन आपको पता है नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए नेगेटिव आयन है। ऐसी मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन हमने अलग रख लिए, और इसका हमने जब रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ तो दो क्लोरीन लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्लोरीन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट कराना चाहते हैं क्लोरीन से तो हमें दो क्लोरीन की आवश्यकता होगी, ताकि एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को दे, एक इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन को दे। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव आयन बनाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए नेगेटिव आयन बनाएगा। और टू क्यों आया, क्योंकि दो क्लोरीन आपने लिया है, तो इसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, इसी को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, इसी को रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल कहते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंपाउंड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसी को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, इसी को आयनिक कंपाउंड या इसी को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। अब आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर सम और हार्ड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कोई नहीं एग्जाम में पूछेगा आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं, सबको पता है बात। ये पूछते हैं क्यों होते हैं सॉलिड और हार्ड होते क्यों हैं, तो रीजन है बिकॉज ऑफ, ये है आंसर मेन, ये है आंसर मेन, उसे आप छोड़ भी दोगे चल जाएगा, सबको पता है आयनिक कंपाउंड सॉलिड और हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं ये आपको याद करना जाना है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, सबको पता है, कोई नई बात नहीं, आपने पढ़ लिया तो कोई अलग नहीं पढ़ लिया, सबको पता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। पूछेगा ऐसा होता क्यों है, दिस बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ना हमें एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, आयनिक इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयनिक इंट्रैक्शन है इसको तोड़ने के लिए ना आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मैं दोबारा बोल देता हूं, इस पेज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है। द कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म होता है किसकी वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, किसके बीच में, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसी को आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉलिड होता है। क्यों होता है सॉलिड, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है, किसका स्ट्रॉन्ग फोर्स पाया जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं सॉल्युबिलिटी। सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड ना वाटर में सॉल्युबल होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन किसमें इनसॉल्युबल होता है ये अलग चीज है। ये किस में नहीं घुलता, तो ये सॉल्वेंट में नहीं घुलता। सॉल्वेंट कौन कौन से, जैसे केरोसिन में नहीं घुलेगा, पेट्रोल में नहीं घुलेगा, ये सब सॉल्वेंट कहलाते हैं, इनमें ये डिसॉल्व नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है गुड कंडक्टर होता है, लेकिन केवल लिक्विड स्टेट में। फिर पूछेगा क्यों भाई, केवल लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर क्यों है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, आप सबके भी आ चुका पहले। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सबको पता है सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होता है। लेकिन पता है कुछ पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों है, आंसर ये दोगे, आंसर होगा कि मूवमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयन, आयन की जो मूवमेंट होती है ना सॉलिड स्टेट में इज नॉट पॉसिबल, मूवमेंट ऑफ आयन इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल, आयन मूव नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में ड्यू टू देयर रिगिड स्ट्रक्चर के कारण, इसलिए सॉलिड स्टेट में यह पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन यही चीज अगर लिक्विड स्टेट हो, मॉल्टन स्टेट हो, तो यह बच्चों गुड कंडक्टर होता है। तो ऐसा क्यों है, तो दिस इज पॉसिबल, ऐसा इसलिए होता है इन द मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट में, सिंस क्योंकि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो मॉल्टन स्टेट में बाहर आ जाता है ड्यू टू द हीट, गर्मी की वजह से। इसलिए आयंस जो होते हैं फ्रीली मूव कर पाते हैं, और आयंस फ्रीली मूव करेंगे तो वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लास्ट बार बताता हूं, सोल्यूबिलिटी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होता है वाटर में, सोल्यूबल होता है पानी में, घुलनशील होता है, लेकिन वो इनसोल्यूबल होगा सॉल्वेंट में, केरोसिन और पेट्रोल वगैरह में नहीं घुलेगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर होता है बच्चों सॉलिड स्टेट में। आपसे पूछा जाएगा व्हाई, ऐसा क्यों होता है, तो मूवमेंट ऑफ आयन जो है सॉलिड स्टेट में वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर होता है। यही आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होता है मॉल्टन स्टेट में, गुड कंडक्टर होता है क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए मॉल्टन स्टेट में क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन का वो बाहर आ जाता है हीट की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नाउ अगला पेज आपके लिए लेके आता हूं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज आ जाओ भाई। जी हाँ, अगला पेज आपका यह है मिनरल्स क्या होता है, व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स हम किसे बोलेंगे, मिनरल्स द एलिमेंट्स और कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उनको मिनरल्स बोलते हैं, जो अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है उनको मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होता है, एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे मिनरल्स जो होता है कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, कुछ जगहों पे मिनरल्स में हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल पाया जाता है, और ये मेटल जो होता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, अगर हमने इसको निकाल लिया पृथ्वी से तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इन्हीं मिनरल्स को ओर्स बोला जाता है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा अभी, अभी आप समझ लीजिए। गैंग क्या होता है, ओर्स फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, जब हम जमीन से ओर्स को निकालते हैं ना तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल होता है, सैंड होता है, इन्हीं को हम गैंग बोलते हैं। आप शॉर्ट में समझिए मिनरल्स क्या होता है, तो ऑल मेटल्स एलिमेंट्स और कंपाउंड विच फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, बस ये कीवर्ड याद रखिए, ऐसे एलिमेंट और कंपाउंड जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है आर कॉल्ड मिनरल्स। ओर्स क्या होता है, तो जब हम कुछ प्लेसेस पे क्या होता है मिनरल्स के अंदर ना हाई परसेंटेज पाई जाती है किसी मेटल्स की, और ये मेटल बहुत प्रॉफिटेबल होता है जमीन से निकालना, तो इन मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। तो ओर्स का मतलब हुआ कि ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर वेरी हाई परसेंटेज हो किसी पर्टिकुलर मेटल का, उसको ओर्स बोला जाता है। आप इतना भी याद कर सकते हो। गैंग क्या होता है, तो गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, बस इतना याद रखिए, गैंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी जो कि ओर्स में पाया जाता है, जैसे सॉइल, सैंड, ये सब इसके एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। नाउ अगले पेज पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब मेटल को जमीन से निकाला जाता है तो इस फॉर्म में निकाला जाता है, ये टेबल आपको याद रखना है, जब जमीन से निकालते हैं मिनरल्स को तो उसको ओर्स बनाते हैं। अब ओर्स के अंदर जो ओर्स होगा ना उसको तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा, अगर वो हाई रिएक्टिव है तो अलग कैटेगरी होगी, मीडियम रिएक्टिव तो अलग कैटेगरी होगी, लो रिएक्टिव होगा तो अलग कैटेगरी होगी। अगर वो हाई रिएक्टिव वाला, अगर उस ओर्स में हाई रिएक्टिव वाला मेटल है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस तरीके से हम उसको प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो मीडियम रिएक्टिव वाला, अगर उस ओर्स में मीडियम रिएक्टिव वाला मेटल है तो हमें देखना पड़ेगा वो कार्बोनेट ओर्स है या सल्फाइड ओर्स है। अगर वो कार्बोनेट ओर्स है तो उसको कैल्सिनेशन, ध्यान रखिए मेथड का नाम याद रखिए, अगर वो कार्बोनेट ओर्स है तो कैल्सिनेशन मेथड से उसको प्योर करेंगे, और अगर वो सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड से उसको प्योर करेंगे। चाहे कैल्सिनेशन मेथड लगाओ या रोस्टिंग मेथड लगाओ, मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड, प्योर मेटल ही मिलेगा आपको, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। फिर इस मेटल ऑक्साइड को आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा, तब जाके आप प्योरीफाई कर पाओगे उस मेटल को, अब आपको प्योर मेटल इस पूरे प्रोसेस से मिलेगा। तो अगर वो मीडियम रिएक्टिव है तो देखना पड़ेगा कार्बोनेट है या सल्फाइड है, कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन मेथड, सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड, मेथड कोई सा भी लगाओ मिलेगा आपको मेटल ऑक्साइड, फिर इसका रिडक्शन करके आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि उस ओर्स के अंदर ना ऐसा मेटल है जो कि लो रिएक्टिव है, अगर वो लो रिएक्टिव है तो 100% वो सल्फाइड ही होता है, अगर वो लो रिएक्टिव है तो सल्फाइड होता है, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग मेथड होती है, रोस्टिंग जैसी आप मेथड, रोस्टिंग से क्या होता है मेटल ऑक्साइड मिलता है तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा, फिर मेटल ऑक्साइड से क्या करते हो रिडक्शन करते हो तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन से आपको मेटल मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से टाइप का मेटल है, हाई रिएक्टिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस, मीडियम रिएक्टिव है तो कार्बोनेट या सल्फाइड, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, और लो रिएक्टिव तो हमेशा सल्फाइड होगा, सल्फाइड के लिए हमेशा रोस्टिंग होता है। तो अगर ये पूरा टेबल याद कर लोगे ना तो आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में याद हो जाएगा। चलिए बेफिलहाल, एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल, जब लो रिएक्टिव मेटल को कैसे निकाला जाता है, ध्यान रखिए, ये देखिए ये है सीनाबार, इसको सीनाबार कहते हैं।
सीनाबार को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो इससे बनेगा कॉपर ऑक्साइड, इसे कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर इस कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हम हीट करेंगे तो इससे कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो इससे हमें दो रिएक्शन कराने पड़ते हैं अगर आपको प्योर मेटल चाहिए लो रिएक्टिव में। तो ये सीनाबार का एग्जाम्पल है, ऐसे ही ये कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल है, सॉरी कॉपर सल्फेट है, कॉपर सीनाबार ये है। कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को दोबारा हीट करेंगे तो हमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो हमें कॉपर मिल गया प्योर। ये है सीनाबार। सीनाबार को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका मरकरी ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर इस मरकरी ऑक्साइड को दोबारा हीट करोगे तो आपका मरकरी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। यहाँ पे ना आप कहते हो ना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, तो देखिए इसे बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे 36 प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको रिएक्शन याद है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये है कॉपर सल्फेट के लिए और ये है मरकरी के लिए, दो अलग अलग याद रखना। नाउ कैल्सिनेशन मेथड, अभी मैंने आपको टेबल में क्या बताया था आप इसको याद कर लीजिए, छोड़िए नहीं सब चीजों को, कैल्सिनेशन याद है। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता है, कार्बोनेट के लिए, खत्म हो गया, इतना याद रखना है, बहुत है, बनाकर हम खुद भी लिख लेंगे। यही लिखा है देखो, द कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इंटू ऑक्साइड, कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, उनको हीट करके स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं इन लिमिटेड एयर में, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। भाई तू इसको ऐसे भी तो याद कर सकता है भाई, कि कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए कैल्सिनेशन मेथड यूज होता है, इनफ है, यहाँ लिमिटेड एयर होती है। ऐसे ही रोस्टिंग, देखिए रोस्टिंग, अब आप इतना सारा याद करोगे, अब दिमाग में इतना भी तो रख सकते हो, इतना रख लो ना, कि रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। जब सल्फाइड ओर्स को हीट करेंगे तो वहां पर रोस्टिंग मेथड यूज होगा, तो यहीं पे होगा बस। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड ओर्स को जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, तो इसे ही बोलते हैं रोस्टिंग, दिस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो एक चीज समझिए, हम कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में ना डिफरेंस ना याद करें ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। रोस्टिंग यूज होती है किसके लिए, रोस्टिंग हम लोग यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा कन्वर्टेड इनटू सल्फाइड ओर्स के लिए, और कैल्सिनेशन यूज करते हैं कार्बोनेट ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर होता है, ये देखो वर्ड आया होगा लिमिटेड एयर, और रोस्टिंग में एक्सेस एयर होता है। एक एग्जाम्पल इसका याद कर लो, एक एग्जाम्पल इसका याद, हो गया डिफरेंस। आज ये देखिए मैंने यही लिखा है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद करो, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए, रोस्टिंग में एक्सेस एयर होता है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर होता है। ये रोस्टिंग का एग्जांपल हो गया। जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को दोबारा कार्बन के साथ हीट करोगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो जिंक आपको मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है रोस्टिंग का। आज ये कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, यहाँ जिंक ऑक्साइड आएगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। फिर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है कैल्सिनेशन का। तो क्या सीखा आपने इस पेज पर, एक तो हमने कॉपर सल्फेट का सीखा दो बार रिएक्शन, एक सीनाबार का सीखा दो बार रिएक्शन, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए होता है लिमिटेड एयर में, रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होता है एक्सेस एयर में, दोनों में डिफरेंस, रोस्टिंग सल्फाइड के लिए, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए, रोस्टिंग में एक्सेस एयर होता है, कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर होता है। ये जिंक सल्फेट का एग्जाम्पल हो गया रोस्टिंग के लिए, और ये जिंक कार्बोनेट का एग्जाम्पल हो गया कैल्सिनेशन के लिए। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाए। नाउ थर्मिट रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन। तो जब आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयरन बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और हीट रिलीज होता है, इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड, जब आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम के साथ, इज यूज टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक, इसे रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं, या क्रैक ऑफ मशीन पार्ट्स, और मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन। ये जो आपका रिएक्शन है इसी को थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको कई तरह से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कुछ नहीं है, सिंपल आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको घुमा फिरा के पूछेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सब कुछ आपका क्लियर होगा। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो शॉर्ट में याद रखिए, हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। देखिए मैंने आपको टेल बताया था, क्यों आप अलग से याद करो, देखो ना ये रहा, हाई रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्योरीफाई करते हैं, खत्म हो गया। अब एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, देखिए सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सब जो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्योरीफाई किया जाता है, क्योंकि हाई रिएक्टिव है, सीधी सी बात है, इसमें जो मेटल, अब ये चीज याद रखना, इसमें सारे मेटल जो डिकम्पोज होते हैं कहाँ होते हैं, वो कैथोड पे होते हैं, मेटल डिकम्पोज होता है कैथोड पर, ध्यान रखना इस बात का, जो नेगेटिवली चार्ज होता है,
जबकि क्लोरीन जो होता है वो लिबरल करता है एनोड पर। क्लोरीन कहां लिबरल करता है? तो एनोड पर। बस इतना याद करना है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पेपर में जो आप सोच रहे हो कि मुझे इतना बड़ा आंसर लिखना है। शॉर्ट में याद कर दिए सर जी कि हाई रिएक्टिव मेटल है, उसको प्योरीफाई करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम हाई रिएक्टिव मेटल है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम लोग प्योरीफाई करेंगे। इसमें क्या होगा कि जितने भी मेटल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे आपके कैथोड पर, और क्लोरीन जो नॉन मेटल है वो रिलीज होगा एनोड पर। बस खत्म होगी बात। ये रिएक्शन पढ़ना तो कर लेना कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। कैथोड पर ये रिएक्शन होता है जिसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन मिलकर सोडियम, और एनोड पर क्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन। तो ये कैथोड का रिएक्शन है, एनोड का रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते। आगे बढ़ जाओ। कोरोजन क्या होता है? जब एक मेटल अटैक होता है, व्हेन अ मेटल अटैक विद, जब एक मेटल कॉन्टैक्ट में आता है एयर के वाटर के, तो एक थिक लेयर बन जाता है उसके ऊपर। व्हेन अ मेटल कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, जब कोई मेटल कॉन्टैक्ट में आता है एयर एंड वाटर के, तो एक थिक लेयर बन जाता है उसके ऊपर। विच मेक मेटल वीक, जिससे मेटल बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इसी को कोरोजन बोलते हैं साइंस में। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन क्यों याद करोगे? मेरी बात सुनो, सिंपल से याद कर लो। व्हेन मेटल कॉन्टैक्ट विद एयर वाटर, थिन लेयर फॉर्म होती है जिससे मेटल वीक हो जाता है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। जब कोई मेटल कॉन्टैक्ट में आता है एयर वाटर के, थिक लेयर बनती है जिससे मेटल वीक हो जाता है, इसको कोरोजन कहते हैं। जैसे ब्राउन कोटिंग देखा होगा आपने आयरन पर, ग्रीन कोटिंग आपने देखा होगा सिल्वर पर, तो ये ब्लैक कोटिंग होगा सिल्वर पर, ब्लैक होता है ना, हाँ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ठीक कर लेना आप। ठीक है बेटा, नाउ इस पेज पर क्या पढ़ा हमने? एक हमने पढ़ा थर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन ये है, एक तो रिएक्शन याद कर लेना, ये थर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए या मशीन को जोड़ने के लिए। देखते ना वेल्डिंग वाले आते हैं ना, वेल्डिंग वाले सब यही रिएक्शन होता है। हाई रिएक्टिव मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके प्योरीफाई करते हैं, चाहे सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम कोई भी हो। इसमें मेटल डिकम्पोज होता है कैथोड पर और क्लोरीन रिलीज होता है एनोड पर। ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो, कैथोड और एनोड का। कोरोजन क्या होता है? तो मेटल जब कॉन्टैक्ट में आता है एयर एंड वाटर के, जिससे उस पर थिन लेयर बन जाती है जिससे मेटल वीक हो जाता है, उसको कोरोजन कहते हैं। जैसे ब्राउन कोटिंग आयरन पर, ब्लैक कोटिंग सिल्वर पर, ये सब आपने एग्जांपल देखा होगा। अब एक्टिविटी देखिए, कोरोजन का एक्टिविटी। इसमें एक वाटर में आयरन नेल है, वाटर है और आयरन नेल है, तो यहां पर जंग लगेगा क्योंकि यहां पर दोनों चीज है, एयर एंड वाटर दोनों चीज है। अब यहां पे देखिए, वाटर के अंदर आयरन को डाल दिया, ऊपर ऑयल डाल दिया, अब यहां पे एयर से कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इसमें कोरोजन नहीं होगा। यहाँ पे हमने कैल्शियम क्लोरीन डाल दिया है, तो इससे क्या होगा, ये जो पाउडर है ना, ये मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेगा, सोख लेगा, तो इसमें भी कोरोजन नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होती है, ये एक्टिविटी आपके बुक में दिया हुआ है। इस एक्टिविटी का मेन मकसद ये है कि कोरोजन लगने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए वाटर और दूसरा चाहिए एयर, तभी कोरोजन लग देगा जब दोनों के कॉन्टेक्ट में आएगा। कोरोजन से प्रिवेंशन करने के क्या क्या तरीके हैं? तो पेंटिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एलॉय बना लो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वनाइजिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो। अब गैल्वनाइजिंग क्या होता है, ये आपके सैंपल पेपर में भी है। गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है स्टील और आयरन को फ्रॉम रस्टिंग से बाय कोटिंग दैम। उस पर कोटिंग किया जाता है किसकी? एक थिन लेयर बनाया जाता है जिंक का। छोड़िए ना, इतनी सी बात क्या याद करोगे, सिंपल बात रखो ना। ये देखो आयरन है, क्या है ये? आयरन। आयरन पे जब जिंक की कोटिंग होती है, खत्म हो गया आंसर सर, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में याद रखिए कि जब आयरन पर जिंक की कोटिंग होती है, डेट इज कॉल्ड गैल्वनाइजिंग, खत्म। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। और क्यों करते हैं ये? ताकि इसको कोरोजन से बचा सके, खत्म हो गया। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है, अभी बताया था मैंने। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, जिसमें ऑक्साइड लेयर बनता है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम डेवलप करता है एक थिक ऑक्साइड लेयर, ताकि वो एयर के साथ, मतलब आप कुछ सिंपल सी याद रखिए, आयरन याद है, आयरन पे आप कोटिंग अगर एल्यूमिनियम की कर दोगे तो उसको एनोडाइजिंग कहेंगे, खत्म हो गया ना सर। इतनी बातें क्यों याद करेंगे हम लोग? आयरन पर जिंक की कोटिंग होगी तो गैल्वनाइजिंग, आयरन पर एल्यूमिनियम की कोटिंग होगी तो एनोडाइजिंग। क्यों किया जाता है ये सब? कोरोजन से बचने के लिए, खत्म हो गई बात भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको कराऊंगा। नाउ एलॉय क्या होता है? मेटल और मेटल को मिला दो, मेटल और नॉन मेटल को मिला दो, दोनों को एलॉय कहते हैं। एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ध्यान रखना, एलॉय एक एमसीक्यू में पूछता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर मेटल्स हो सकते हैं, और एक नॉन मेटल हो सकता है और एक मेटल हो सकता है, उसको एलॉय कहते हैं। तो मेटल और मेटल को मिलाकर या मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर एलॉय बनता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तीन बातें याद हो गई, मेटल मेटल को मिला दो, मेटल नॉन मेटल को मिला दो, और एक होमोजीनियस मिक्सचर है, खत्म हो गया। गोल्ड की बात में बात करो, प्योर गोल्ड जो होता है, जो 24 कैरेट का होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर द मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता।
इट इज एलॉयड, इसका एलॉय बनाया जाता है, या तो इसमें सिल्वर मिलाया जाता है या इसमें कॉपर मिलाया जाता है ताकि हार्ड हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई। प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हम ज्वेलरी इससे नहीं बना सकते, तो हमें इसे एलॉय बनाना पड़ेगा, गोल्ड में मिलाएंगे या तो सिल्वर या कॉपर ताकि ये हार्ड बन सके। क्लियर हो गया। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको आयरन चाहिए, निकेल चाहिए, क्रोमियम चाहिए, ये तीनों चीज मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। जब आयरन को मिक्स किया जाता है निकेल से क्रोमियम से, आयरन को मिक्स किया जाता है निकेल से क्रोमियम से, तो आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। तो बस ये फॉर्मुला याद रखिए जो मैंने ऊपर लिखवा रखा है, बस ये फॉर्मुला याद कर लीजिए, आयरन निकेल क्रोमियम तीनों मिलकर स्टेनलेस स्टील बनता है। एमलगम क्या होता है, इट इज इफ इट इज द वन ऑफ द मेटल, अगर कोई भी एक मेटल हो और एक दूसरा मरकरी हो तो उस एलॉय को हम एमलगम कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको, कोई भी एक मेटल हो और दूसरा मरकरी हो, किसी भी मेटल को जब मरकरी के साथ मिलाया जाएगा तो डेट इज कॉल्ड एमलगम। ब्रास क्या होता है, तो कॉपर और जिंक का मिक्सचर। ब्रॉन्ज क्या होता है, तो कॉपर और टिन का मिक्सचर। शोल्डर क्या होता है, तो लेड और टिन का मिक्सचर। याद हो गया आपको बच्चों, याद हो गया आपको, लास्ट टॉपिक था ये, खत्म हो गया। ब्रॉन्ज इस पेज पर हमने क्या क्या पढ़ा दोबारा बताता हूं। एलॉय क्या होता है, मेटल और मेटल को मिलाकर, मेटल और नॉन मेटल को मिलाकर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। गोल्ड प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ज्वेलरी आप नहीं बना सकते इससे, इसलिए इसको एलॉय बनाना पड़ता है सिल्वर मिलाकर या कॉपर मिलाकर। स्टेनलेस स्टील में तीन चीज चाहिए, आयरन चाहिए, निकल चाहिए, क्रोमियम चाहिए। एमलगम क्या होता है, किसी भी मेटल के साथ मरकरी को मिला दो तो एमलगम बन गया। ब्रास होता है कॉपर और जिंक को मिलाकर। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन को मिलाकर। शोल्डर होता है लेड और टिन मिलाकर। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। बिलीव मानिए, सब कुछ मैंने आपको दिया इस चैप्टर के अंदर, 100% कंटेंट दिया है। तो जल्दी रिवाइज कर लीजिए। तब तक जय हिंद आप सबको, मिलते हैं अगले चैप्टर के रिवीजन में।